नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबनु। हूँ दीक्षित पटेल, मर्चेंट कॉलेज बासणाथी। आज आप एक नवा चैप्टर की शुरुआत करवा जा रहे हैं, ब्रेक्स विषे। तो आप ब्रेक्स विषे अभ्यास करवा है। तो आज आप इंट्रोडक्शन में जुए तो ब्रेक शू कहवा माँगे तो तब जी सको। इंट्रोडक्शन आप चालू थी गयु। ब्रेक इज अ डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच आर्टिफिशियली रेजिस्टन्स आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स इज एप्लाइड टू अ मूविंग मशीन मेम्बर इन ऑर्डर टू रिटार्ड और स्टॉप द मोशन ऑफ मशीन इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग दिस फंक्शन द ब्रेक एब्सॉर्ब आइदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मेम्बर और पोटेंशियल एनर्जी गिवन अप बाय ऑब्जेक्ट बीइंग लोअर बाय होइस्ट एलिवेटर एक्सेट्रा। द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय ब्रेक्स इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस हीट इज डेसिपेटेड इन द सराउंडिंग एयर अथवा दो वॉटर विच इज सर्क्युलेटेड थ्रू द पैसेज इन द ब्रेक ड्रम सो डैट एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द ब्रेक लाइनिंग डज नॉट टेक प्लेस। द कैपेसिटी ऑफ ब्रेक डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फेक्टर। क्या क्या फेक्टर है तो बात करिए एना पर तो अँ जी सको कि आटला पांच फेक्टर है बराबर। तो द यूनिट प्रेशर बिट्वीन द ब्रेकिंग सरफेस पची द कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिट्वीन द ब्रेकिंग सरफेस पची पहला में कीधु द यूनिट प्रेशर बिट्वीन द ब्रेकिंग सरफेस। तीजा में कीधु पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्रेक ड्रम। चौथा में कीधु द प्रोजेक्टाइल एरिया ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। द एबिलिटी ऑफ द ब्रेक टू डेसिपेट हीट इक्विवेलेंट ऑफ द एनर्जी बीइंग एब्सॉर्ब। द मेजर फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन द क्लच एंड ब्रेक इज दैट द क्लच इज यूज्ड टू कीप द ड्राइविंग एंड ड्रिवन मेंबर मूविंग टुगेदर वेयर एज द ब्रेक आर यूज टू स्टॉप अ मूविंग मेंबर और कंट्रोल द स्पीड बराबर। बे वस्तु नी आपणे मेन जरूरियात हती। हवे आपणे जोईए आगळ तो टाइप्स ऑफ ब्रेक। तो टाइप ऑफ ब्रेक आपणे जोवाना छे। द ब्रेक्स अकॉर्डिंग टू द मीन्स यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जी बाय द ब्रेकिंग एलिमेंट्स आर क्लासिफाय एज पहलू कीधेलू छे आपणने हाइड्रोलिक ब्रेक अथवा तो एना एटले कि एक्जाम्पल आपेलू छे पंप अथवा तो हाइड्रोडायनेमिक ब्रेक अथवा तो फ्लूइड एजिगेटर बराबर एजिटेटर। पची बीजू कीधु ले छे इलेक्ट्रिक ब्रेक तो एनु एक्जाम्पल आपेलू छे जनरेटर एंड एडी करंट ब्रेक बराबर। तीजू छे मिकेनिकल ब्रेक। द हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक ब्रेक्स कैन नॉट ब्रिंग द मेम्बर टू रेस्ट एंड आर मोस्टली यूज वेर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर टू बी ट्रांसफॉर्म वाइल द ब्रेक इज रिटार्डिंग द लोड सच एज इन लेबोरेटरी डायनेमोमीटर। हाईवे ट्रक्स एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दीज ब्रेक आर ऑल्सो यूज फॉर रिटार्डिंग और कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल फॉर डाउन हिल ट्रावल। मिकेनिकल ब्रेक अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स मे बी डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग टू ग्रुप। पहलू कीधेलू छे रेडियल ब्रेक। इन दीस ब्रेक द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्रेक ड्रम इज इन रेडियल डायरेक्शन। द रेडियल ब्रेक मे बी सब डिवाइडेड इंटू एक्सटर्नल ब्रेक एंड इंटरनल ब्रेक बराबर। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द फ्रिक्शन एलिमेंट
दीज ब्रेक मे बी ब्लॉक एंड शू ब्रेक एंड बेन्ड ब्रेक, बराबर त्रण टाइपनी होय। अथवा तो तमे कही शको कि एक्सियल ब्रेक, बीजेनी बात करिए, इन दीज ब्रेक द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्रेक ड्रम इज इन एक्सियल डायरेक्शन, द एक्सियल ब्रेक मे बी डिस्क ब्रेक एंड कॉर्न ब्रेक। तो बे वस्तु छे अहींया, डिस्क ब्रेक अने कॉर्न ब्रेक नी वात करेली छे। द एनालिसिस ऑफ दीज ब्रेक इज सिमिलर टू क्लच, तो आ शू कहीए छीए, क्लचना जेवू ज काम करे छे। सिंस वी आर कंसर्न्ड विथ ओनली मिकेनिकल ब्रेक, आपणे मिकेनिकल ब्रेक, देरफोर दीज डिस्कस इन डिटेल इन द फॉलोइंग पेजिस। सिंगल ब्लॉक ओर शू ब्रेक, હવે જોઈએ આપણે મિકેનિકલ બ્રેકમાં સિંગલ શું હોય, સિંગલ બ્લોક અથવા તો શૂ બ્રેક। અ સિંગલ બ્લોક અથવા તો શૂ બ્રેક ઇઝ શોઇન ફિગર 19.1, બરાબર, તો તમે જોઈ શકો છો 19.1માં એ અને બી બે વસ્તુ આપેલી છે। ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ બ્લોક ઓર શૂ, તો તમે બ્લોક અથવા તો શું તમે જોઈ શકો છો, તો અહીંયા લખેલું છે આ બ્લોક, બરાબર, તો આ વસ્તુ જે રહી એ આમ કંઈ નામ તો આરે બ્લોક છે, ઓકે। હવે વિચ ઇઝ પ્રેસ્ડ અગેન્સ્ટ ધ રિમ ઓફ રિવોલ્વિંગ બ્રેક વ્હીલ ડ્રમ, એ શેના ઉપર પ્રેસ થશે, તો આ જે એક વ્હીલ તમારું રહ્યું, વ્હીલ રોટેટ થાય છે, ફરતું છે, તો એના ઉપર આ રહ્યો ભાગ પ્રેસ થશે, બરાબર, એટલે એ દબાશે, એટલે એના કારણે એ તમારા બ્રેક લાગશે, ઓકે। ધીઝ બ્લોક ઇઝ મેડ ઓફ અ સોફ્ટર મટીરિયલ ધેન ધ રીમ ઓફ ધ વ્હીલ, તો આ જે હાર્ડ મટીરિયલમાંથી બનેલું હોય છે અને આ એના ઉપરનો ભાગ રહે સોફ્ટ મટીરિયલમાંથી બનેલો હોય છે। ધીઝ ટાઈપ ઓફ બ્રેક ઇઝ કોમનલી યુઝડ ઓન રેલવે ટ્રેન, રેલવે ટ્રેનમાં એરીએ બ્રેક વપરાય છે, એન્ડ ટ્રામ કારમાં વપરાય છે। ધ ફ્રિક્શન બિટવીન ધ બ્લોક એન્ડ વ્હીલ કોઝિસ અ ટેન્જન્શિયલ બ્રેકિંગ ફોર્સ ટુ એક્ટ ઓન ધ વ્હીલ વિચ રિટાર્ડ ધ રોટેશન ઓફ ધ વ્હીલ। ધ બ્લોક ઇઝ પ્રેસ્ડ અગેન્સ્ટ ધ વ્હીલ by a force applied to one end of a lever, બરાબર, એક એન્ડ જે લીવર, આ લીવર બતાવ્યું છે, એક એન્ડથી અહીંયા ફોર્સ તમે એપ્લાય કરો છો, ટુ વિચ ધ બ્લોક ઇઝ રિજિડલી ફિક્સ, તો એક બાજુ અહીંયાથી ફિક્સ કરેલો છે, ઇઝ શો ઇન ફિગર 19.1, ધ અધર એન્ડ લીવર ઇઝ પિવોટેડ ઓન અ ફિક્સ્ડ ફલક્રમ ઓ, તો અહીંયા જે ફલક્રમ ઓ રહ્યો તે આગળ ફિક્સ કરેલો છે, એટલે આર્યો ભાગ આ રીતે છે, તો એ ઉપર આ રીતે ઓપન થશે, બરાબર, તો એના પર ફોર્સ લગાવો એટલે આ રીતે આર્ય ક્લોઝ થશે, બરાબર, આ રીતે આર્ય વર્ક કરતું રહે છે। આ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે, તો આ ક્લોકવાઇઝ રોટેશન થાય છે, બરાબર, આર્ય આ રીતે રોટેશન થાય છે, જ્યારે બીજું શું છે, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન થાય છે, આર્યું આ રીતે આમ ઊંધું ફરે છે, તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશનમાં અને ક્લોકવાઇઝ રોટેશનમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરનો જે ફોર્સ રહ્યો તો એ બંનેમાં આપણે સેમ જ આપીએ છીએ, બરાબર। હવે કીધેલું છે પી એટલે શું છે, તો ફોર્સ એપ્લાઇડ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ લીવર, તો અહીંયા જે આ પીની વાત કરેલી છે એ, આર એન નોર્મલ ફોર્સ પ્રેસિંગ ધ બ્રેક બ્લોક, તો અહીંયા આર એન જે આપેલું છે એ રીતે વાત કરેલી છે, બરાબર, તો અહીંયા આર એન બતાવેલો છે, તો આ પણ આર એન બતાવેલો છે। આર રેડિયસ ઓફ ધ વ્હીલ, તો આ સ્મોલ આર આપેલો છે, બરાબર, સ્મોલ આર આપેલો છે। ટુ થીટા એંગલ ઓફ કોન્ટેક, તો આ વચ્ચેનો એંગલ તમારો જે બને છે, બરાબર, તો એ બંનેનો એંગલ વચ્ચેનો આ જે એંગલ રહ્યો, તો આ વચ્ચેનો એંગલ તમારો જે થાય છે એ વચ્ચેનો એંગલની વાત કરી છે, ટુ થીટા
म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर एफ टी टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स ऑफ अथवा तो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड व्हील बराबर। अब जो ये आगे आपने इन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 60 डिग्री तो अँ कॉन्टेक्ट तमारो जो बनावे छे तो आना वच्चे आ वस्तु आ वस्तु तो ये बेना वच्चे नो केटलो कॉन्टेक्ट है 2θ 60 डिग्री थी ओछो होय छे। देन इट मे बी एज्यूम डेट द नॉर्मल प्रेशर बिट्वीन द ब्लॉक एंड द व्हील इज यूनिफॉर्म इन सच केसिस टेंजेंशियली ब्रेकिंग फोर्स ऑन द व्हील एफ टी बराबर म्यू इंटू आर एन बराबर तारी इक्वेशन तमारू लागू पड़े एफ टी बराबर म्यू इंटू आर एन तो तमे जोई सको जो कि भाई आज ऊपर इक्वेशन तमारू रियो एफ टी बराबर म्यू आर एन इने एक नंबर आप्यो छे तो एफ टी कई जगह लागे छे आमो आ कई दिशा में छे एंटी क्लॉकवाइज छे तो आ बाजू लागे छे डायरेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आ एफ टी आ बाजू लागे छे बराबर तो आ बने में आटलो डिफरन्स है। हवे ब्रेकिंग टॉर्क टी बी तो ब्रेकिंग टॉर्क तमारो जे लागे छे एफ टी इंटू आर एफ टी बराबर तो आप जाए छे म्यू इंटू आर एन आर एट आर रेडियस तमारी बराबर। हवे लेटेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग थ्री केसीस त्रण केसीस नी आप बात करवानी छे बराबर। हवे जुदा जुदा त्रण केसीस आप नेक्स्ट लैक्चर में समझीशुं।